Now we are able to understand Gauss's theorem because we have defined flux और इसी flux के basis पर चूंकि Gauss theorem में इस flux का flux basic है जब Gauss जो Gauss theorem में हम लोग यूज करेंगे तो Gauss का theorem क्या है flux का calculation है Gauss का theorem किसी भी तरह के क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो बार बार इलेक्ट्रिक टर्म नहीं मैं यूज कर रहा हूं लेकिन आप यूं समझें कि जो बात हम लोग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में और दूसरे तरह के फ्लक्सेस भी हैं मैग्नेटिक फ्लक्स है इवन आप हाइड्रोडायनामिक्स में देखिएगा तो वाटर फ्लक्स भी है पाइप से अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो कितने बड़े एरिया से वो वाटर निकल रहा है और कितने बड़े एरिया पर जाकर के इंसिडेंट है तो ये वाटर का फ्लक्स बनाता है वहां पर वाटर का फ्लक्स जो हो जाएगा वो वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड हो जाएगा वही फ्लक्स है तो गॉस थियोरम इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सर्फेस अगर सरफेस क्लोज्ड नहीं है जैसे कि दीवाल अब दीवाल से क्रॉस कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग सिंपली ई डॉट डी एस यानी एलिमेंट्री फ्लक्सेस का इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर वॉल कर देंगे और टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे लेकिन गॉस थ्योरम को इससे नहीं लेना देना है गॉस थ्योरम को वैसे सरफेस से लेना देना है जो क्लोज्ड है अब इस क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा यही कैलकुलेट करता है गॉस थ्योरम थ्योरम इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक फॉर्मूला है अगर इस सरफेस के भीतर कोई चार्ज है प्लस माइनस तो इसको हम कहेंगे चार्ज इनक्लोज्ड टोटल मिला के चार्ज कितना है ये हम देखेंगे कि अंदर में किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में भी चार्ज हो सकते हैं बाहर में भी चार्ज हो सकते हैं सब तरफ चार्ज हो सकते हैं अंदर भी बाहर भी पॉजिटिव भी निगेटिव भी और स्पेस में फैले हुए इन चार्ज के बीच से हम एक क्लोज सरफेस बनाएं इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाएं और हमारा टास्क है कि हम इससे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें तो गॉस थ्योरम कहता है कि ये टोटल फ्लक्स जो मैथमेटिकली आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल जैसे हमने यहां लिखा है नीचे एस लिखा है ये नोटेशन है सरफेस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन ओवर इंटायर सरफेस ये भी है इंटीग्रेशन ओवर इंटायर सरफेस यहां हमने एक सर्किल कर दिया है इस इंटीग्रल के साइन में एक सर्किल दे दिया है इस सर्किल का मतलब हो गया ओवर इंटायर क्लोज्ड सरफेस क्लोज्ड के लिए हम ये सर्किल यहां पर देते हैं इस साइन में तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर सर्फेस क्लोज सर्फेस हो गया अब मैथमेटिकली अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएं तो बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि किसी भी तरह का इंटीग्रेशन आप कैरी आउट करते हैं तो उसमें एक फंक्शन होगा अगर कोई क्वांटिटी एक्स का और डिफरेंशियल है डीएक्स तो ये एफ एक्स डीएक्स ही इंटीग्रेट हो सकता है एफ एक्स डीएक्स भी हर तरह के इंटीग्रेशन इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं उसमें भी कुछ ही हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं तो एक एक्स का फंक्शन हमको चाहिए एक्स हम किसी भी आर्बिट्रेरी क्वांटिटी को एक्स कहते हैं जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस का एरिया का किसी तरह का फंक्शन होना चाहिए और इस तरह से अगर पूरे स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो जाहिर है कि आपको हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से नॉन यूनिफॉर्म होगा हर पॉइंट पर इस क्लोज सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड अलग अलग होगा तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है वहां हम छोटे छोटे एरिया लेंगे हर पॉइंट के लिए
एक किसी पॉइंट को हमने चुन लिया कि ये पॉइंट है P, इसके विसिमिटी में एक छोटा सा एरिया ले लिया जो प्लेन की तरह है, चाहे जितना कर्व सरफेस हो अगर बहुत छोटा एरिया लेते हैं तो वो प्लेन ही होता है, और इस पर नॉर्मल देते हैं, ये नॉर्मल n कैरेट e वेक्टर के साथ यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, किसी दूसरे जगह में n कैरेट और e वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो किसी तीसरे जगह पर ये थीटा अलग हो सकता है, कोई रूल नहीं होगा कि e और n कैरेट के बीच जो एंगल डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट हैं वो किसी खास रूल के अंतर्गत नहीं होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एसिमेट्रिक है, कहीं भी हमने ऐसे ही आर्बिट्रेरी चार्ज को रख दिया है। अब ये इंटीग्रेशन जब आप कैरी आउट करने जाएंगे तो मैथमेटिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगेगा। तो गॉस थ्योरम यही है कि इस इम्पॉसिबल इंटीग्रेशन को अगर किसी तरह से इंटीग्रेट किया जाए तो जो टोटल फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो इस क्लोज सरफेस के भीतर जितना चार्ज है और उसको डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन जीरो से, जो क्वांटिटी आएगी यही फ्लक्स। तो ये एक सिंपल रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट के कारण हम लोग इम्पॉसिबल जैसा लगता हुआ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का जो टास्क था उसको इजीली हम पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस थ्योरम में सबसे बड़ी चीज है कि इस क्लोज सरफेस के बाहर भी चार्जेज हैं, भीतर भी चार्जेज हैं। जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे, E डॉट ds हम लेंगे, जैसे हमने कहा था कि एक पॉइंट P है, आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट P ले लिया, यहां पर E वेक्टर लिया, देखा कि n कैरेट यानी ds वेक्टर के साथ उसका क्या एंगल है, और यहां पर हम लिखेंगे E ds cos थीटा। अब जाहिर है कि E ds और थीटा इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिस रूल के तहत ये बदल रहा हो ताकि ये इंटीग्रेशन हो सके। अगर हम ये एक मेमथ टास्क लेते हैं कि चलो अलग अलग हर पॉइंट पर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है लेकिन हर पॉइंट पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके सबको ऐड करेंगे और ऐड करके टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो जब रिजल्ट आएगा तो वो चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, यानी वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सर्फेस। यही गॉस थ्योरम है। स्टेटमेंट भी हम अगर उसका देंगे तो देंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by the surface. तो बाहर भी चार्ज है अंदर भी चार्ज है, लेकिन जो रिजल्ट होगा टोटल फ्लक्स जिसके बराबर होगा वो होगा केवल अंदर का चार्ज। जबकि अगर हम चाहें कि हम कैलकुलेट करें, जैसा हमने अभी कहा कि छोटे छोटे फ्लक्स को भी इनफाइनाइट नंबर भले हो हम सबको जोड़ेंगे, हम इतना बड़ा चैलेंज लेंगे, तो जो E वेक्टर यहां लिखेंगे या E का जो वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण नहीं लिखेंगे, यहां हर पॉइंट पर जो हम इस इंटीग्रेशन में E ले रहे हैं वो E ऑल चार्जेज के कारण है, चाहे वो चार्ज अंदर हो या बाहर हो, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का? इसके सर्फेस का। और किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक होता है हर पॉइंट पर और वो सभी चार्जेज का कंट्रीब्यूशन वहां उसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो इस इंटीग्रल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इज नॉट ओनली ड्यू टू इंटरनल चार्जेज बट ड्यू टू ऑल चार्जेज इन स्पेस। ये स्पेस में जितने चार्ज हैं उन सबके चलते इस क्लोज सरफेस के पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो फील्ड है ई। और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट केवल अंदर वाले चार्ज के कारण आता है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हम गॉस थ्योरम को लिखते हैं कि इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो, इसमें E केवल क्लोज सरफेस के भीतर के चार्ज के कारण है कि भीतर बाहर सभी चार्जेज के कारण है, तो जनरली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों में। वो सोचते हैं कि चूंकि गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय इंटरनल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो तो ये फील्ड भी होगा इंटरनल चार्ज के कारण। नो, ये फील्ड सभी चार्जेज के कारण है। जब हम कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट लाएंगे तो वो रिजल्ट में केवल शामिल रहेगा इंटरनल, एक्सटर्नल वाला नहीं रहेगा। तो इस तरह से गॉस थ्योरम का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको याद रखना है। अब हम फॉर्मली गॉस थ्योरम कैसे लिखेंगे
इसको लिख लें, स्टेटमेंट तो उसका हर किताब में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को मैं यहां केवल बोल देता हूं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे फाई टोटल, सिंबॉलिकली इसको ई और डीएस के टर्म में लिखेंगे तो ई डॉट डीएस, और ये हो गया क्यू ई एन, हम एक सब्सक्रिप्शन देते हैं यानी चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। सो दिस इज गॉस थ्योरम।